नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज का ये स्पेशल वीडियो कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं अगले साल की, पूरे साल की 2021 की। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और ये साल आपके जीवन में हर तरह की खुशियाँ, प्रेम, शांति और सफलता लेकर आए। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे साल के बारे में, कैसा रहेगा आपका ये साल, जीवन के किस क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकते हैं, कैरियर, जॉब, बिजनेस, लव लाइफ, प्रेम, एजुकेशन, स्वास्थ्य, आध्यात्म, जीवन के सभी क्षेत्रों को हम छुएंगे और उसके बारे में बातें करेंगे, किस महीने में क्या हो सकता है सब कुछ देखेंगे। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, थोड़ा सा आपकी राशि के बारे में बताते हैं। कर्क राशि का ही है। कर्क लोग, राशि वाले लोग सबसे ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, प्यार करने वाले, जुड़ने वाले और केयर करने वाले, जिससे प्रेम करते हैं उसकी केयर करने वाले। इमोशन ही उनकी ताकत भी है और कमजोरी भी है। किसी इमोशन उनको शक्ति देता आगे बढ़ने के लिए, और कई बार इमोशन उनकी कमजोरी भी हो जाता है। चाहे वो एक्सट्रीम इमोशन कोई भी हो, चाहे वो गुस्सा हो या कोई भी तरह का एक्सट्रीम इमोशन उनको कमज़ोर कर सकता है। तो इस चीज़ का उनको ध्यान रखना है कि एक बैलेंस में रहना है। जहाँ वो इमोशन आपको शक्ति दे रहा है, वहाँ आप उसको यूज कर सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं। पर अगर वो नेगेटिव है, जैसे गुस्सा है या कोई भी तरह का प्रेम भी, अतिरिक्त प्रेम किसी के लिए भी कभी कभी कमजोरी बन सकता है इनकी, क्योंकि ये एक इमोशन बीइंग है, इमोशन के ही राशि है, चतुर्थ राशि है, प्रेम को दिखाती है, माता को दिखाती है। तो माता से, जन्मभूमि से, दोस्तों से खास इनका लगाव रहता है। घूमने फिरने का शौक है, चल राशि है, चल राशि है, घूमना फिरना इनको पसंद होता है, नई नई चीज़ें देखना, नया लिटरेचर पढ़ना, नई चीज़ों को जानना इनको पसंद होता है, हिस्ट्री को जानना, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसॉफी, रिलीजन सब में इनकी रुचि होती है, होटल एजुकेशन, मेडिसन, ये सब इनके कुछ कार्य हैं। किसी कार्य के लिए, किसी कॉज के लिए, किसी लाइफ में इनको चाहिए आगे बढ़ने के लिए, किसी कॉज के लिए युद्ध तक पहुंच सकते हैं। डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि दशम भाव में स्वयं मंगल की राशि है और वहां पर मंगल रूचक नाम का महापुरुष योग बना भी रहे हैं इस साल के शुरुआत में ही। तो बहुत अच्छे रहेंगे कुछ महीने आपके, बात करेंगे हम उसकी। शादी विवाह का जो लाइफ है, जो मैरिज लाइफ है, वो कर्क वालों की थोड़ा सा सेंसिटिव रहती है। थोड़ा सा कई बार लेट मैरिज हो सकती है, स्पाउस थोड़ा सा मैच्योर हो सकता है, थोड़ा एज में बड़ा हो सकता है, इस तरह का रहता है। बच्चों के बारे में ठीक है, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि खासकर पहले बच्चे से थोड़ा सा उतना नहीं बनती, इस तरह का रह सकता है। अपने परिवार में ये अक्सर ऊंचे जाते हैं और अपने परिवार का रोशन, नाम रोशन करते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो भरे पड़े हैं पॉलिटिक्स आदि में, चाहे वो पोइट्स हों, चाहे वो आपके राइटर हों, कर्क वाले भरे हुए पड़े हैं। अगर अपने देश में भी सबसे महत्वपूर्ण लोगों को देखेंगे, चाहे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सब कर्क का कहीं ना कहीं रिलेशन मिलेगा आपका। इसके बाद साथ साथ अगर वर्ल्ड में भी आप देखेंगे तो मर्लिन मारनो, प्रिंस चार्ल्स, मोहम्मद अली, बहुत, जैक निकोलसन, श्री अरविंदो जो इंडिया के हैं, संतों में भी काफ़ी बड़े, जॉन ट्रावोल्टा, बहुत सारे फेमस लोग आपको कर्क से मिलेंगे, क्योंकि ये रानी हैं। सूर्य जैसे राजा हैं तो चंद्रमा रानी हैं, तो काफ़ी लकी माने जाते हैं लोग जो कर्क में की राशि हो या लग्न हो। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो तो काफ़ी ऊपर जाते हैं लाइफ में। इनके लिए लकी कलर जो रहता है वाइट, क्रीम, येलो, ऑरेंज, वो थोड़ा सा लकी है। ग्रीन से थोड़ा सा बचना चाहिए, ग्रीन उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता इनके लिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बाकी कुंडली देखकर ही आप बता सकते हैं, वो जो जैम स्टोन कहते हैं ना, कौन सा जैम स्टोन सूट करता है और उसे पहना भी जाए या नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि जैम स्टोन कुछ जादू करते हैं, बस थोड़ा सा ये रहता है, ये थोड़ा फेवरेबल है, ये थोड़ा सा अनफेवरेबल है। वो थोड़ा अच्छा रहता है कि कई बार ज्वेलरी भी खरीदती हैं खास करके महिलाएं, तो जो अनफेवरेबल है उसको तो ना ही खरीदें तो ठीक है, बाकी उनसे कुछ ऐसा किस्मत नहीं बदलती। बाकी मोती इनका लग्न का स्टोन है, भाग्य का स्टोन इनका पुखराज येलो सेफायर है। लाभ के इसके लिए जो मूंगा है,
मंगल इनके आपके जो हैं योग कारक ग्रह हैं, तो एक तरह से मंगल गुरु ये आपके महत्वपूर्ण ग्रह हैं। चंद्रमा तो है ही, सूर्य जो है वो ठीक ठीक है क्योंकि सूर्य राजा रानी है तो एक दूसरे के दोस्त तो हैं ही, उस हिसाब से सही है। मारक ग्रहों में आपके शनि महाराज हैं, शनि महाराज राहु केतु सभी के ही हैं, वो थोड़ा सा अलग ही टाइप के हैं, वो किसके साथ बैठते हैं जहाँ बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग शनि महाराज थोड़े से मारक ग्रह हैं, वो जहाँ भी बैठेंगे वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, इस तरह से है। तो इसके साथ हम शुरुआत करते हैं, आपके जनवरी माह से ही शुरुआत करेंगे। जनवरी का महीना बहुत फंटास्टिक है आपके लिए, बहुत बढ़िया महीना रहने वाला है। मंगल सीधे दशम भाव में बैठे हुए हैं, रूचक नाम का महायोग बनाकर, ख्याति नाम का योग बनाकर, योगराज कह सकते हैं, योगों के राजा मंगल आपके लिए जो हैं, जो कि आपके योग कारक ग्रह हैं, वो कुलदीपक नाम का योग बनाकर बैठे हैं। तो बहुत फंटास्टिक रहने वाला है जनवरी का महीना। एक बात और मैं बताऊं, जो जनवरी का महीना है वो तो बहुत बढ़िया है, उस पर भी हम आएंगे। पूरी साल का जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो हम चार ग्रह देखने चाहिए हमको, मेनली गुरु शनि राहु केतु, इसी से निर्णय होता है साल कैसी जाएगी। छोटे छोटे जो ग्रह हैं वो फिर उसके अंदर देखते हैं कि साल में महीने कैसे जाएंगे, पर अगर हमें अपनी साल का पता करना है, ओवरऑल साल कैसी जाएगी, बड़ी पिक्चर जो देखनी है, तो ये ग्रह देखने होते हैं। उसके साथ साथ भाग्येश देख सकते हैं, वो आपके गुरु हैं ही, तो हम गुरु शनि राहु केतु पर दृष्टि डालें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक शनि की स्थिति तो वैसे ही रहने वाली है, और शनि आपके लिए सप्तम भाव में रहेंगे। तो शनि का सप्तम भाव में रहना बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए एक तरह से ठीक ही है, बुरा नहीं है, पर रिलेशनशिप में थोड़ा ड्राइनेस रहेगी। पूरी साल ही आपको रिश्ते थोड़ा बना के रखने हैं, थोड़ा बचा के रखने हैं, उसमें थोड़ी दूरी आ सकती है प्रेमी प्रेमिका के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, प्रेसी और जो भी प्रेमी है जो उनके बीच में, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा लोगों में। तो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का साथ दें, प्रेम से साथ में रहें, ईगो को बीच में ना लाएं। चीज़ें अगर किसी वजह से, काम की वजह से या किसी भी कारण से दूरी बनती है, तो टेलीफोन से एक दूसरे का हाल पूछें, बात करें, इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ साथ राहु केतु पूरी साल ऐसे ही रहने वाले हैं, वो हिलने वाले नहीं है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो राहु आपके एकादश भाव में और केतु जो है पंचम भाव में। संतान के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखें इस साल, एजुकेशन में ध्यान रखें, एजुकेशन में आपका मन कम लग सकता है क्योंकि पंचम भाव एजुकेशन का है, संतान का है, तो संतान और एजुकेशन का फोकस रखना ही रखना है। बीच बीच में कुछ ग्रह सपोर्ट करेंगे, कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे कि अप्रैल तक गुरु का सपोर्ट रहेगा, फिर अप्रैल से लेकर सितंबर तक एजुकेशन का और संतान का खासा ख्याल, ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि गुरु की वजह से वो रहेगा, पर ओवरऑल ये जो फील्ड है संतान का और एजुकेशन का, इस पर ध्यान देना है। राहु यहाँ पर लाभ कराने आए हैं, धन लाभ होगा, पैसे का लाभ होगा, पैसा आएगा, धन के सोर्स बढ़ेंगे, अचानक से धन प्राप्ति, शत्रु विनाश होगा, किसी कोई कोर्ट केस आदि कर चलता आ रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, इस तरह की पूरी पूरी यहाँ पर संभावना राहु लेकर आए हैं। छठे भाव से रोग ऋण शत्रु, अगर कोई रोग आपको चल रहा था तो रोग ठीक हो जाएगा, ऋण आपने ले रखा तो वो ऋण उतर सकता है, उसमें राहु बहुत फेवरेबल रहेंगे, पूरी साल ही रहेंगे। पर इसके साथ साथ जो महीने हैं जिसमें छोटे छोटे भी ग्रह उस चीज को फेवर करेंगे, वहां वो चीज ज्यादा होने के चांसेस बन जाएंगे, खास करके अगर उनकी दशा महादशा हो। याद रखिए हम गोचर की बात कर रहे हैं और एक जन्म कुंडली है, जैसा कि चाणक्य ने कहा है कि प्रारब्ध तो जन्म के समय ही तय हो जाता है, प्रारब्ध तो जन्म के समय ही तय हो जाता है। तो गोचर का क्या महत्व है? गोचर का महत्व सिर्फ इतना है, जो प्रारब्ध में लिखा है उसे ये सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो महत्वपूर्ण तो आपकी कुंडली ही है। अगर किसी के गोचर में साढ़े साती वगैरह चल भी रही है, जैसे कि आपका मकर की साढ़े साती चल रही है, कुंभ की शुरू हुई है, धनु का आखिरी है, तो ऐसा नहीं है कि वो सभी के सभी परेशान होने वाले हैं। कुंडली बताएगी, जन्मपत्री बताएगी, अष्टक वर्गम में पॉइंट कितने हैं, दशा महादशा किसकी चल रही है। हाँ, उसका एक रोल जरूर है, वो उसका एक पार्ट जरूर है। तो हमने राहु को देखा, राहु आपके रोग ऋण शत्रु पर विजय प्राप्त कराएंगे, इसके साथ साथ राहु आपका ओरा को बढ़ाएंगे लाइफ में। ओरा समझते हैं आपका स्टेटस, पदोन्नति कराएंगे, लोग आपकी सुनेंगे, आप कहीं ना जहां पर भी आज हैं उससे थोड़ा ऊपर जाने वाले हैं अगले डेढ़ साल में, उसमें कुछ अप्स एंड डाउन के साथ, पर अल्टीमेटली आपका जो स्टेटस है लाइफ में बढ़ने वाला है, आप ऊंचाई की तरफ जाने वाले, तो एक अच्छा साल है।
इसके साथ साथ पैसा भी आएगा, धन भी आएगा और आप उसको लिक्विड मनी में इकट्ठा भी कर पाएंगे, बैंक में भी जमा कर पाएंगे। खर्चा होने के बावजूद यात्राएं करने में थोड़ा ध्यान रखना है, फॉरेन अगर जाते हैं तो थोड़ा सावधानी रखनी है पूरी साली, चाहे वो आप फॉरेन जाएं, दूसरे स्टेट जाएं, दूसरे शहर जाएं, जब यात्रा के वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, वहां कोई दुर्घटना चोरी आदि इत्यादि हो सकती है, तो इस बात को हर महीने ही ध्यान रखना है। तो हम इसको बार बार नहीं रिपीट करेंगे एक ही बात को, पर ये पूरी साल आपका रहेगा। तो ये बातें हमारी आ गई राहु की। शनि की जो बात की हमने कि पूरी साल रिश्तों का ध्यान रखना, इसके साथ साथ मेहनत करते रहना है, क्योंकि शनि की जो तीन दृष्टियां हैं, एक तीसरी, एक सातवीं और एक दसवीं, तो तीसरी दृष्टि चूंकि शनि यहां पर है सप्तम भाव में मकर राशि में, यहां से तीन गिनते हैं, एक दो तीन, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, नवम भाव में मीन राशि पर पड़ रही है। तो नवम भाव किसका है? भाग्य का है, फॉर्चून का है, पिता का है। पिता का थोड़ा सा ख्याल रखना है और मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट आएंगे। जैसा कि राहु जो धन दिला रहे हैं ना, तो वो आपको कार्य में घुसना होगा, मेहनत करनी होगी तभी आएगा। आप ठीक उसी तरह बन कहिए कि बहुत अच्छा समय है जनवरी फरवरी में बॉडी बिल्डिंग के लिए, मंगल बहुत अच्छे हैं जिनको शौक है, या जिम्नास्ट के लिए, या योगा के लिए, पर रिजल्ट कब आएगा? जब आप मेहनत करेंगे, सुबह उठेंगे और जॉगिंग के लिए जाएंगे, अगर सोते रहेंगे तो नहीं आएगा। हालांकि सोते रहना आसान है और जाना मुश्किल है। मन तो यही कहेगा मत जाओ, मन तो यही करेगा यार कल चले जाएंगे, ठंड है। तो मन की मत सुनिए, मन को नहीं पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है, तो आपका मन आपकी सुने तब सही बात है। ये मत कहिएगा मैं वही कर रहा हूं जो मेरा मन कर रहा है, मन तो आपका कुछ और करता है जो आपके लिए सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप डिसाइड करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। लग्न पर शनि की दृष्टि है, चीजें थोड़ी लेट भी होंगी, मतलब आप जैसे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई मेरा प्रमोशन अब तक हो जाना चाहिए, तो हो थोड़ा सा लेट होगा पर हो जाएगा। सप्तम में शनि इतने बुरे नहीं होते, वो भी अपनी ही राशि में शस नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, खासकर कि अप्रैल तक उनको गुरु का भी सानिध्य मिल रहा है और गुरु आपकी कुंडली में भाग्येश है, तो अप्रैल तक का समय गुरु जो शनि है बहुत अच्छा देने वाले हैं आपको, भर भर के देंगे, पर मेहनत कराने पर, मेहनत करेंगे तो आता रहेगा, नहीं करेंगे तो चीजें, मेहनत करना, अपग्रेड करना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, ट्राई करते रहना, जो भी बिजनेस है उसमें नया नया क्या प्रयास कर सकते हैं वो करते रहेंगे तो आता रहेगा। शनि की जो दसम दृष्टि है वो, ये तो सप्तम दृष्टि हुई, अष्टम नवम दसम चतुर्थ भाव पर है जो माता का भाव है और काल पुरुष की सातवीं राशि है, तो आप कह सकते हैं कि सातवें भाव पर भी शनि की दृष्टि आ गई और काल पुरुष के सातवीं राशि पर भी। रिश्तों का ध्यान रखना है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े तिविर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ऐसे में अगर किसी की मंगल आदि की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, मंगल दोष आदि है, डाइवोर्स आदि के कुछ इस तरह की कुंडलियां हैं और उन ग्रहों की दशा महादशा है, तो रिश्तों में यहाँ तरार आ सकती है। इसको सीरियसली लीजिएगा कि रिश्तों को बना के रखना है, बात का बतंगड़ नहीं बनाना है, जो भी बात है वो एक दूसरे को समझानी है। नॉर्मली चीज़ें बिगड़ती तभी हैं कि हम एक दूसरे को समझते ही नहीं है, अगर समझ जाएं तो नॉर्मली दोनों लोग सही होते हैं। प्रेम अगर है तो बातों को सुलझाया जा सकता है, अगर कम्युनिकेशन रहे, अगर अंडरस्टैंडिंग रहे। जिस तरह हम अपनी गलती माफ़ करते हैं और दूसरे की भी करना सीख जाएं, तो चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो सकती हैं। जिस तरह हम दूसरों की गलतियां देखते हैं, उस तरह अपनी गलतियां भी देखें और उनको भी सुधारने की कोशिश करें, ना कि दूसरों की, जो कि हम सुधार नहीं सकते हैं, तो एक तरह से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अपने ही सुधारें तो एक तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो निखरेगी, एक तो आपका सुधार होगा, एक ये पॉजिटिव कर्मा है और इससे आपके साथ तो अच्छा होगा ही, आपके लोगों के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आप सुधरेंगे तो उनको भी फायदा होगा, समाज को भी फायदा होगा, दुनिया को भी फायदा होगा। इसीलिए कहा गया कि हर फैमिली अगर अपने अपने पर ध्यान दे और अपने अपने को सुधार ले, तो पूरा संसार तो ऐसे ही सुधर जाएगा। तो उसको भी ध्यान देना है, पति पत्नी स्पाउस प्रेसी प्रेमिका की नेगेटिव से ज़्यादा अपने नेगेटिव पे ध्यान देकर उसको सुधारना है, तो फिर ये साल आपके लिए वंडरफुल होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। पर आप ऐसा करेंगे तभी होगा, और करना मुश्किल है, करना मुश्किल है, ठीक उसी तरह जैसे कि एक्सरसाइज करना मुश्किल है, कोई भी अच्छी आदत डालना मुश्किल है, पढ़ने की आदत हो, जॉगिंग की आदत हो, तैरने की आदत हो, मन नहीं करता, मन तो उल्टा ही करता है। वो कहा है ना, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आ,
मन राह भुलाए भ्रम में डाले। गीता पढ़िएगा, विवेकानंद पढ़िएगा, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, मॉडर्न्स हैं, मॉडर्न राइटर हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। ऐसी चीज़ों का इनपुट ज़रूरी है जीवन में, ज्ञान का इनपुट ज़रूरी है। जैसे हम खाना खाते हैं तो ये भी खाना ही है, आँखों का खाना, कानों का खाना, त्वचा का खाना, ये नहीं कि सिर्फ शरीर के लिए खाना चाहिए, माइंड के लिए भी खाना चाहिए। जो इनपुट हमारे अंदर जाता है उसी के अकॉर्डिंग, उसी में से माइंड फिर आइडिया निकालता है। अच्छा अच्छा इनपुट आएगा तो अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे, अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे तो अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे विचार तो अच्छी अच्छी आदत, और अच्छी अच्छी आदत तो एक अच्छा चरित्र, और एक अच्छा चरित्र तो एक अच्छा व्यक्तित्व, और एक अच्छा व्यक्तित्व तो एक अच्छा फ्यूचर बनना ही बनना है। ये तो प्रकृति का नियम है, इसे तो स्वयं ईश्वर भी नहीं बदलते, क्योंकि उन्हीं ने बनाया है, उन्हीं का नियम है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो शनि की बातें कर ली हमने, राहु केतु की बातें कर दी, क्योंकि पूरे साल एक से रहने वाले हैं। गुरु की भी बातें हम कर देते हैं, अभी जनवरी के माह की जैसे शुरुआत करते हैं, तो गुरु जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक एक सा ही रिजल्ट देंगे, उसी अप्रैल के 6 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। तो कैसा रिजल्ट देंगे जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में? शादी विवाह कराएंगे, रिश्ते नाते बनाएंगे, दोस्ती यारी बढ़ाएंगे, बिजनेस आदि बढ़ाएंगे, कार्य में उन्नति लाएंगे, लाभ को कराएंगे, धन लाएंगे, पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ प्रेम बढ़ाएंगे। तो गुरु आपका अच्छा करने वाले हैं, अच्छा करने आ गए हैं, बढ़िया है। अप्रैल तक गुरु बहुत अच्छा रहेंगे इस तरह से। छोटे ग्रहों को आप देख लेते हैं जनवरी में। मंगल रोचक नाम का, कुलदीपक नाम का, ख्याति नाम का योग बनाकर बैठे हैं आप, मंगल का अलग से वीडियो है, उसमें भी देख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया करने वाले हैं, पद प्राप्ति, उन्नति, बिजनेस में बढ़िया करना बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, एजुकेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि केतु पंचम में है, ऊपर से मंगल की जो है ना इस पर, इस भाव पर दृष्टि आ गई है। प्रेम के मामले में देखिए गुरु अच्छे हैं यहाँ पर। शुक्र जो है 28 जनवरी तक आपके छठे भाव में रहेंगे और सूर्य के साथ रहेंगे। तो प्रेम के मामले में जनवरी का महीना ठीक ठीक है, फरवरी का बहुत वंडरफुल है। जैसे ही फरवरी के महीने पर हम आते हैं तो देखिए जनवरी में सूर्य जो है 15 जनवरी से 15 फरवरी तक जो है वो आपके मकर में आ जाएंगे, यहाँ पर रहेंगे सप्तम भाव में। तो एक तरह से कह सकते हैं जब सूर्य सप्तम भाव में रहेंगे तो 28 जनवरी के बाद से थोड़ा सा, एक कह सकते हैं जनवरी का जो महीना है वो थोड़ा सा रिलेशनशिप में थोड़ा सा टफ ही है। ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं, सिर्फ गुरु का साथ है, शुक्र का साथ उसको मिलेगा जनवरी के एंड में। और फरवरी में खासकर की 14 तारीख के बाद सूर्य भी निकल जाएंगे, सिर्फ रह जाएंगे गुरु, शुक्र, इस तरह के ग्रह, और बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो फरवरी में बहुत वंडरफुल है प्रेम आदि के लिए, जनवरी ठीक ठीक है। एजुकेशन के मामले की बात करें तो एजुकेशन का ख्याल रखना है जनवरी में भी और फरवरी में। कैरियर के लिए जनवरी फरवरी दोनों ही महीने विशेष हैं, बढ़िया हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आएगा। अब देखिए मेहनत तो करनी होगी, आप शेर भी हों तो हिरन आपके मुंह में तो आएगा नहीं, भागना तो आपको पड़ेगा। हाँ, किस्मत आपके फेवर में है कहाँ तक कि कार्य का ताल्लुक है, रिश्तों को थोड़ा बना के रखना है। तो एक कार्य की तरफ भागें, दौड़ें, मेहनत करें, रिश्तों को थोड़ा सा प्यार से रखें, नाजुकता से रखें, और कोई बात है तो समझ लें, कोई बात है तो उसको बहस में ना आए, गुस्सा कभी ना हो। कर्क वाले को गुस्सा होना अच्छा नहीं है, वो गुस्से में अपना जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना कि गुस्से से मति भ्रम हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, ये सब चीज़ें, कर्क पर कुछ ज़्यादा ही लगता है, गुस्सा बिल्कुल थूक दें, गुस्से को करना ही नहीं है। गुस्सा करने का नाटक किया जा सकता है, मतलब कहीं आपको कुछ बोलना है, ज़रूरी है, समझाना है, पर ऐसा ना हो कि गुस्से के काबू में आप आ गए, ये बिल्कुल नहीं करना है। तो हमने देखा जनवरी फरवरी का, अब मार्च और अप्रैल का देखते हैं। अब मार्च और अप्रैल में देखिए शनि की बात वही रहेगी, गुरु की बात वही रहेगी, राहु केतु की बात वही रहेगी। अप्रैल 6 अप्रैल के बाद सिर्फ गुरु बदलेंगे, तो मार्च में उनको हम बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल वही बात आ जाएगी। बाकी ग्रहों का क्या परिवर्तन होगा फरवरी में? 21 फरवरी को मंगल चेंज हो रहे हैं, तो फरवरी के एंड में कह सकते हैं, हम इसको मार्च में ले लेंगे। 21 फरवरी के बाद से जो
और मार्च में मंगल राहु के साथ रहेंगे एकादश भाव में। मंगल का एकादश भाव में गोचर कार्य के लिए मार्च का महीना भी बहुत बढ़िया, लाभ के लिए मार्च का महीना भी बहुत बढ़िया। रियल इस्टेट से, भाइयों से, जमीन से, लाइजनिंग से, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप मॉडल भी हैं और आपको एक्सरसाइज वगैरह करना, योगा फिटनेस आदि से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, पुलिस में है, आर्मी में है, अस्त्र और हथियार से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, कुछ भी ऐसा काम है, कंपटीशन का काम है जहां आपको विजय प्राप्त करनी है, किसी को हराना है, आगे निकलना है, इस तरह का अगर आपके अंदर स्पिरिट है तो मंगल आपको इस चीज में बहुत साथ देंगे, बहुत फोकस रहेगा, बहुत एनर्जी रहेगी, बस उसको सही रास्ते पर लगाना है। सही रास्ते में लगाने के लिए भी गुरु का आपका साथ रहेगा पूरे मार्च साथ रहेगा, क्योंकि मंगल यहां पर 14 अप्रैल को जाएंगे, मतलब कि अप्रैल के 15 अप्रैल तक भी मंगल का आपको साथ एनर्जी वाला मिलता रहेगा। प्रेम के मामले में फरवरी का महीना बहुत ज्यादा बेस्ट रहा। अगर हम शुक्र की बात करें, प्रेम के मामले की बात करें मार्च के महीने की, तो मार्च के महीने में आपका जो है क्या कह सकते हैं कि शादी विवाह के लिए अच्छा है, किसी अच्छे घर घराने में शादी हो सकती है, किसी बड़े घर में आपका रिश्ता आ सकता है, अरेंज मैरिज की बात है तो। और पर थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ ऐसी बात हो सकती है, स्त्रियों से बहुत ज़्यादा सम्मानपूर्वक पेश आना है कि डिसफेम आदि का कुछ ऐसा रह सकता है। प्रेम के मामले में ठीक ठीक है, कोई बहुत बेस्ट नहीं है मार्च का महीना। पर अगर हम बात करते हैं अप्रैल की, तो अप्रैल का जो महीना है प्रेम के लिए बहुत अच्छा है। फरवरी अच्छा है, मार्च थोड़ा सा ठीक है, और अप्रैल का महीना बहुत खासकर बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, जहां तक कि प्रेम रोमांस इस सब की बात है। कार्य के मामले में हम देख सकते हैं कि मंगल बहुत अच्छे चल रहे हैं मार्च में भी और 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल के बाद कार्य में थोड़ा सा कह सकते हैं कि ठहराव आएगा, और ये ठहराव किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, जो लोग विदेश में है ना, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो उसके लिए तो बढ़िया है। बाकी के लिए यहाँ थोड़ा सा समय वो है कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, मेहनत ज़्यादा करेंगे तो रिजल्ट कम आएगा, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने हैं, क्योंकि गुरु जो हैं 6 अप्रैल को अष्टम में आ जाएंगे भाग्यश, तो कुछ चीज़ों के ये अच्छा है, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी गहराई में जाना, साइकोलॉजिस्ट साइकोट्रिस्ट जो लोग सलाह देते हैं किसी चीज़ को गहराई में समझने के लिए अच्छा है, पर एक्शन के मामले में 14 अप्रैल के बाद का जो समय है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि ध्यान रखना है। सूर्य की जिसकी दशा रहेगी उनके लिए बढ़िया रहेगा, सूर्य की जिसकी दशा महादशा होगी, और जिसकी मंगल की रहेगी उनको थोड़ा ध्यान रखना है, वैसे तो सभी को रखना है, पर किसी की सूर्य की दशा है और सूर्य बहुत अच्छे हैं तो उनके लिए फिर अप्रैल का महीना बेस्ट रह सकता है। रिलेशनशिप के लिए जो है अप्रैल का महीना अच्छा है, 10 अप्रैल से लेकर 4 मई तक जो है शुक्र दशम में रहेंगे, मतलब स्त्रियों के थ्रू आपकी भाग्योन्नति हो सकती है, स्त्रियों के थ्रू आपको लाभ हो सकता है, घर गाड़ी बंगला खरीदने का सुख आता है, पर जिनका पहले से रिश्ता है, जो पति पत्नी है, जो साथ में है, उनमें थोड़ी सी तकरार यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि गुरु ने शनि का साथ छोड़ दिया है, और कार्य के क्षेत्र में किसी स्त्री से आप दोस्ती मुलाकात प्रेम उसके लिए तो बढ़िया है, पर कुछ स्कैंडल आदि भी हो सकता है, तो थोड़ा संभल के रहें अप्रैल के महीने में। तो ये था हमारा अप्रैल तक का, इसके बाद हम बात करेंगे मई जून जुलाई अगस्त। चलिए अब बात करते हैं मई माह के बारे में। तो अगर हम मई माह को देखते हैं तो सबसे पहले चलिए कैरियर को ले लेते हैं। तो दशम भाव में सूर्य हैं, अच्छी बात है, अगर किसी का सूर्य का समय चल रहा है, सूर्य की दशा अंतरदशा है, तो पोस्ट प्रमोशन व्यापार में उन्नति उच्च पद गवर्नमेंट से सहायता इस तरह की बहुत उम्मीदें हैं। दशमेश की स्थिति देखें तो दशमेश जो हैं मंगल 12th हाउस में हैं, कार्य के क्षेत्र में बाहर जाना पड़ सकता है, कार्य के क्षेत्र में यात्राएँ हो सकती हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है, मल्टीनेशनल कंपनी आदि में अगर आप काम करना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, उसके लिए अच्छा है। कार्य के ऊपर काफ़ी खर्च भी रहेगा, यात्राएं काफ़ी रहेंगी यहाँ पर। इसके अलावा शनि यहाँ पर बकरी होंगे 23 मई को, तो खासकर 23 मई तक समय ज़्यादा बेटर है जब शनि वक्री होते हैं, चूँकि शनि कर्म को दिखाते हैं और कार्य से भी जुड़े हुए हैं, काल पुरुष की दसवीं राशि के स्वामी हैं, तो 23 के बाद थोड़ा सा कार्य में कह सकते हैं कि एक तो बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है,
दूसरा थोड़ा सा ठहराव आप महसूस करेंगे कार्य के क्षेत्र में। सो अगर हम बात करें मैरिज लाइफ की, रिलेशनशिप आदि की, तो शनि सप्तम में है तो थोड़ा सा डिस्टेंस तो रहेगी, ड्राइनेस तो रहेगी जो हमने पहले ही बात की थी पूरी साल। इसके साथ साथ अगर शुक्र को देखें, क्योंकि शुक्र भी प्रेम से रिलेटेड हैं, तो शुक्र जो है 29 मई को 12th हाउस में जाएंगे। शुक्र का गोचर 11वें भाव में रहेगा 29 मई तक और 29 मई को 12वें भाव में, पर दोनों ही भावों में शुक्र का गोचर अच्छा है। तो कह सकते हैं कि शनि के बावजूद यहाँ थोड़ा सा मिठास आएगा लोगों में, रिश्तों में, आपस में, प्रेम आदि के लिए भी अच्छा समय है। आपकी मुलाकात कई लोगों से, दोस्ती आदि से हो सकती है। शुक्र जब 12th भाव में जाएंगे, मतलब कि जून में जाएंगे, तो थोड़ा खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ों के ऊपर, अपने स्पाउस के ऊपर, अपनी पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के ऊपर थोड़ा खर्च कर सकते हैं, बाहर जाने का कोई प्रोग्राम बन सकता है। 23 मई के बाद चूंकि शनि वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा रुकने का समय है, थोड़ा सांस लेने का समय है, थोड़ा ठहर के देखने का समय है जो अब तक हम साल में करते आए हैं। कहीं कोई गलती है तो उसे सुधारने का समय है। बहुत ज़्यादा नई चीज़ जो होते हैं वक्री ग्रह में नहीं करते हैं। सप्तमेश वक्री हो रहा है, अष्टमेश वक्री हो रहा है, तो आपके जीवन में कुछ लोग आ सकते हैं जो पुराने लोग हैं। आपकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या कोई भी पुराना दोस्त, कुछ ऐसे लोग जो आप काफ़ी समय से नहीं मिले, पुराने रिश्ते, वो कुछ आपके सामने आ सकते हैं। या फिर नए लोग ऐसे आ सकते हैं जिनसे मिलके आपको लगे कि भाई मिले तो पहली बार ही हैं, पर ऐसा लगता है जैसे बहुत दिनों से जानते हों। वो पहले जन्म का कोई संस्कार, कई बार आपने देखा होगा किसी लोग, कुछ लोगों से मिलते हैं तो देखने में ठीक है, सब कुछ है, बात भी ठीक कर रहा है, पर अंदर से पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, रिपल्शन सा होता है, मन नहीं करता, महसूस ऐसा होता है। कई बार व्यक्ति बहुत आकर्षित लगता है, आकर्षक लगता है आपको, तो पहले जन्म के संस्कार होते हैं उसके कारण। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो देखिए एजुकेशन के मामले में जो महीना है वो थोड़ा सा विचारशील है, मेहनत करते रहना होगा तभी रिजल्ट आएगा। पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगने वाला है। बच्चों के सेहत का ध्यान रखना है, उनके हेल्थ का ध्यान रखना है, सेहत का ध्यान रखना है, उनके साथ फ्रेंडली रहना है। उनका मन अगर पढ़ाई में कुछ कम लग रहा है तो आप उसको समझाएं और क्वेश्चन डांटने की बजाय उनको एक्सप्लेन करें क्यों पढ़ाई ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है। और स्कूल में जैसे वो जाते हैं तो उनसे पूछें, सिर्फ एग्ज़ाम वाले दिन ना पूछें कि भाई आज आप कैसा रहा दिन, टीचर ने क्या पढ़ाया, तुम्हें क्या अच्छा लगा, तुम्हें क्या समझ नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो तुमने उससे संबंधित प्रश्न पूछे, क्वेश्चन किए, कुछ जानने की कोशिश की, क्यों नहीं की। तो मतलब उनसे फ्रेंडली होके उनको पढ़ाई के प्रति आकर्षित करें, क्योंकि जब उनका खुद का आकर्षण होगा, मन होगा, तभी वो सीख पाएंगे। डांटने से या कहने से नहीं सीख पाएंगे जब तक उनके मन से ना आए। मन से तब आएगा जब उनके मन में एक तरह का इंटरेक्शन होगा टीचर से। अभी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कई बार तो उनको असहज लगता है पूछने में ही, तो उनको आदत पड़े कि जो उनको मन में नहीं आता तुरंत पूछें, पूछेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, टीचर बताएगी, सीखेंगे। तो इस तरह से उनका ज्ञान वर्धन भी करें और उनको उत्साहित भी करें। अगर वो पहले से अच्छा कर रहे हैं, भले ही टॉप पर नहीं आए पर पहले से बेटर हो रहे हैं, तो कहें हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करो, तो इससे उनका उत्साह बढ़ेगा। तो शिक्षा के बारे में भी बात की हमने, प्रेम के बारे में। स्वास्थ्य के मामले में महीना जो है आप कह सकते हैं ठीक ठीक है। स्वास्थ्य का यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु जीव होते हैं और भाग्य के मालिक हैं, वो अष्टम में आ रहे हैं, तो संघर्ष के मामले में भी संघर्ष रहेगा, मेहनत यहाँ से होगी, पर अचानक धन प्राप्ति का यहाँ पर योग बनता है। सास ससुराल आदि से धन आदि का पति के थ्रू या पत्नी के थ्रू लाभ का बनता है, और आपके पति या पत्नी या आपका जो पार्टनर है उसकी जो तनख्वाह वगैरह है वो बढ़ सकती है, उसके लिए अच्छा है। उसकी वाणी काफ़ी अच्छी रहेगी उस मामले में, यहाँ पर अच्छा है, उनके धन के सोर्स बढ़ेंगे। अगर आपके जो पति हैं या आपकी पत्नी है, वो अगर वो वर्किंग वोमेन है, जो आदमी है जो काम कर रहे हैं, तो उनकी जो तनख्वाह आदि बढ़ सकती है। ससुराल के थ्रू भी आपको कोई लाभ हो सकता है यहाँ पर, इसकी काफ़ी उम्मीदें हैं। अगर सूर्य की दशा महादशा है तो कार्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा महीना है। प्रमोशन आदि का भी चांसेस है और बिजनेस आदि का भी चांसेस है। आपका कोई टेंडर, कोई चीज़ हिट हो सकती है, प्रॉफिट में कोई चीज़ बहुत बड़ी जा सकती है, आपका नाम प्रमोशन आदि हो सकता है। क्योंकि दशम और एकादश भाव में जो सूर्य रहने वाले हैं, ये बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत ही बढ़िया है। अगर हम जून की बात करें तो जून में क्या हुआ, शनि तो वक्री थे ही और गुरु भी वक्री हो गए,
मतलब अब तक तो सिर्फ सप्तमेश वक्री था जो किसी तरह से आपके स्पाउस से जुड़ा हुआ है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से मैंने कहा कि पुराने लोग जीवन में आ सकते हैं और जो लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा यहाँ पे टक चीज़ें थोड़ी सी रिलेशनशिप में थोड़ी और मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप हो सकती है, थोड़ी कठिन हो सकती हैं, पर यहाँ के जो शनि है वो वक्री जैसे हुए हैं तो वो इस कार्य के अलावा रिलेशन में थोड़ा सा दिक्कत के अलावा छठे भाव में जाके रोग ऋण शत्रु का विनाश भी करेंगे। मतलब आपको कोई रोग है तो वो ठीक हो सकता है, ऋण अगर आपने ले रखा है तो आप उसको उतारने में सहायता मिलेगी, और शत्रु से अगर कोई बात है मुकदमा वगैरह आप जीत सकते हैं, उस तरह की संभावना रहेगी। गुरु का जो वक्री होना है वो भाग्येश है, गुरु आपके भाग्येश हैं और आपके षष्ठेश भी हैं, ये भाग्य थोड़ा और धीमा करेगा, चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे से होंगी, मेहनत ज़्यादा करेगी होगी, रिजल्ट कम आएगा, और ये रहेगा आपका 20 जून से लेकर 17 अक्टूबर तक। जिस तरह से शनि जो है 23 मई से 9 अक्टूबर और गुरु जो वक्री रहेंगे 20 जून से 17 अक्टूबर। अब चूंकि 20 जून से दोनों ही ग्रह वक्री हो जाएंगे, 20 जून लगभग जून तो निकल गया पर फिर भी, तो ये समय 20 जून के बाद का जो समय है ये बहुत बड़ा निर्णय लेने का नहीं है। ये वो समय है जिसमें आपको आत्ममंथन करना है, अपने बिजनेस के बारे में क्या प्लानिंग जो आपकी थी उसमें क्या माइनस है, क्या आप गलती कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि आपका जो कार्य है उसमें फायदा ही नहीं हो रहा, मतलब कि आपने अपना रेट इतना कम कर रखा है इस चक्कर में कि कंपटीशन है कि कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, या फिर आप अपना प्रोडक्ट तो बेच रहे हैं पर जो पैसा आ रहा है वो आ नहीं पा रहा है और आपको अगला प्रोजेक्ट जो करना है उसके लिए पैसा चाहिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा आपका रुक रहा है, तो कोई भी सोल्यूशन है, या फिर आपके प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट है वो ढंग से नहीं हो रहा है, या फिर जो आपके रिव्यू आ रहे हैं आपके काम के, जो भी आप काम करेगा सर्विस में भी हैं तो आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं आप क्या कमी है क्या आप सुधार सकते हैं, मतलब पुरानी चीज़ों को देख के समझ के संवारने का समय है ये, पर बहुत बड़ा नया निर्णय का समय नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल कुछ नया नहीं करेंगे, बाय चांस आपका काम कहीं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है और आपको प्रिंटर की ज़रूरत है उसका यूज करते हैं और प्रिंटर ख़राब हो जाता है, तो ऐसा नहीं आप प्रिंटर नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे ज़रूर, हाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा सर्च करके खरीदेंगे, और एकदम से नया नहीं करेंगे कि सर्विस कर रहे थे कि जॉब करना शुरू कर दिया है, जॉब कर रहे थे सर्विस या फिर जो काम चल रहा था उसे छोड़ के एकदम नया काम शुरू कर दिया, और अगर कुछ करते भी हैं तो पुराने मित्रों से पुरानी जानकारी जिनको आप जानते हैं ऐसी चीज़ जिन पर आपका काफ़ी भरोसा है उनके साथ ही करें। इसके अलावा जून में जो आपके दशमेश हैं, अगर हम कार्य की बात करें, दशमेश मंगल लग्न में आ जाएंगे, दशमेश का मंगल लग्न में आकर नीच के हो जाएंगे 2 जून को, तो जून का महीना कैरियर के मामले में थोड़ा सा चेंज आ सकता है और टफ रह सकता है, बॉस आदि से भी थोड़ा अनबन रह सकती है, तो जून के महीने में थोड़ा सावधान रहें, बाणी ऐसी बोलिए मन का आपक होए, अपन को शीतल करे और शीतल होए, गुस्सा नहीं करना है, किसी बॉस के साथ अगर कोई बाय चांस कोई बात है तो उसको समाप्त कर देना, बढ़ाना नहीं है, तूते मेमे में नहीं आना है, चीज़ें बिगड़ सकती हैं जून के महीने में जहाँ तक कैरियर की बात है, क्योंकि दशमेश एक तो नीच के हो रहे हैं आपके और सूर्य भी 15 जून के बाद 12वें स्थान में रहेंगे, तो 15 जून से लेकर समय और भी थोड़ा सेंसिटिव है जहाँ तक कैरियर की बात है। अगर हम बात करें आपके प्यार प्रेम इस सब की, प्रेम विवाह इस सब की, तो देखिए शनि इसी तरह से बने हुए हैं शादी वाले भाव में, केतु की भी स्थिति जो है फन लव प्यार उसके में है, तो इन दोनों का तो सपोर्ट कुछ खास है नहीं। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है 23 जून तक 12वें भाव में रहेंगे, तो शुक्र का 12वें भाव में जाना खर्चे को बढ़ाता है, कहीं घूमने जाने के लिए अच्छा है, कुछ ऐस भोग पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का शुभ समय नहीं है इस चीज़ के लिए भी, क्योंकि मंगल का लग्न में आना और शनि का लग्न में बैठे रहना ये स्पाउस पति पत्नी के बीच प्रेमी प्रेमिका के बीच भी दूरी को बढ़ा सकता है, ईगो को बीच में न लाएं, गुस्से को बीच में न लाएं और किसी भी चीज़ को सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए रखें, कार्य करें, ना कि कौन सही है किसकी बात सही हो इस बात पे न सोचें, एक दूसरे का ख्याल रखें, कम्युनिकेशन कोई बात है तो बताएं,
एक दूसरे से। कई बार ऐसा होता है कि आप भी नहीं बता रहे और अगला बंदा भी नहीं बता रहा, वो सोच रहा है कि वो क्या कहेगी, वो सोच रहा है कि वो क्या कहेगा, दोनों सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, और उस चक्कर में बात ही नहीं हो पा रही, और जो प्रॉब्लम है नहीं उस प्रॉब्लम की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा ना होने दें, एक दूसरे को बताएं, समझाएं, अपनी कोई बात है तो उसको पूरी तरह से बताएं, ताकि उनको पता रहे कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कोई गलतफहमी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। एजुकेशन के मामले में भी ये महीना बुध की स्थिति, बुध वक्री रहेंगे आपके, बुध की स्थिति भी यहाँ पे बहुत बेस्ट नहीं है। तो एजुकेशन के मामले में भी जून का महीना आप कह सकते हैं कि बहुत ग्रेट नहीं है, काफ़ी मेहनत करनी होगी तभी जाके कोई रिजल्ट आएगा। और कम्युनिकेशन में, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में बहुत ध्यान रखना है, जैसे कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई डॉक्यूमेंट, जमीन, गाड़ी, बंगला कुछ खरीदते हैं या कोई भी चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन आप करते हैं तो वो कहीं गलत ना हो जाए, इस तरह का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि 23 मई से 23 जून तक बुध भी वक्री हैं और बुध हमारी वाक शक्ति को, कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, तो जून का महीना ऐसा रहेगा। अब जून के बाद हम आते हैं जुलाई और अगस्त पर, देखते हैं जुलाई अगस्त हमारे लिए कैसे रहने वाले हैं। तो एक तो अच्छी बात है कि जून में अब आपके 23 जून के बाद बुध वक्री नहीं रहेंगे, तो एक अच्छी बात है। अगर बुध वक्री नहीं है तो कम्युनिकेशन आदि के लिए वो समय ठीक रहेगा। आइए अब बात करते हैं जुलाई माह की। तो जुलाई का जो माह है उसमें क्या परिवर्तन आएंगे, देखिए जून के माह की हम बात कर चुके हैं कि दोनों के दोनों ग्रह बकरी हो चुके हैं, गुरु और शुक्र। ऐसे में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, बड़ी बात नहीं करनी है। कार्य के मामले में भी जून का महीना जो है बहुत बेस्ट नहीं था, बहुत बेस्ट नहीं था, क्योंकि आपके जो कर्मेश हैं मंगल वो बहुत नीच की अवस्था में रहेंगे। तो जून के महीने में, जुलाई के महीने में 20 जुलाई को जो है मंगल नीच स्थिति को छोड़कर अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे 20 जुलाई को। तो 20 जुलाई तक लगभग कह सकते हैं कि आधे जुलाई तक अभी स्थिति कार्य के मामले में बहुत बेस्ट नहीं है, हम कार्य को ही लेकर चल रहे हैं। पहले शनि जो सप्तमेश हैं जो बिजनेस को दिखाते हैं वो भी वक्री हैं, तो बिजनेस के मामले में भी मामला यहाँ पर आत्ममंथन का है, चीज़ों के विचार का है। अब ये कोई टफ समय नहीं है, इसके कोई बुरा समय नहीं है, आत्ममंथन बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप ऐसा मान लीजिए आप किसी पेड़ को काट रहे हैं, आपका कोई हथौड़ा है या जो भी आरी है जिससे आप काट रहे हैं, अगर आप उसको काटते रहेंगे तो वो टूटी हो जाती है, एक समय के बाद उसकी जो धार है वो कम हो जाती है, और अगर आप उसको शार्प नहीं करते हैं तो आप 10 घंटे काम करेंगे और रिजल्ट 1 घंटे का भी नहीं आएगा। तो इसी वजह से प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है, जब ग्रह वक्री होते हैं कोई भी काम करें उसका अवलोकन करें। वास्तविकता में अगर आप देखेंगे कि जैसे क्रिकेट का कोई मैच हो या बड़े बड़े बिजनेस जो हों जो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो भी हर अपनी मीटिंग के बाद, हर अपनी मैच के बाद क्रिकेट में जाएंगे, आप गेम में जाएंगे तो इसको वीडियो में देख के बाकायदा अवलोकन करते कि कहाँ क्या गलती हुई, क्यों हम जीते, क्यों हम हारे। अपनी गलतियां भी देखते हैं बराबर वाले की, सामने वाले की भी गलतियां देखते हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या कमजोरियां हैं और स्ट्रेंथ है। तो अवलोकन हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कर्म से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसी को स्मार्ट वर्क भी कहते हैं। कि आप ऐसे ही नहीं भागे जा रहे हैं, आप सही दिशा में भाग रहे हैं, आप देख रहे हैं आपको क्या चाहिए, फिर जो चाहिए उसको बढ़ा रहे हैं, जिस चीज़ को दूर करना है उसको दूर कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो उस तरह का समय आपका जुलाई का भी रहने वाला है। जहाँ तक हम कार्य की बात करें, जुलाई के महीने में 15 जुलाई तक सूर्य लग्न में रहेंगे, तो हम रिलेशनशिप पर आ जाते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए भी 15 जुलाई तक का जो समय है उसमें थोड़ा सा संभल के रहना है, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। कारण यह है कि लग्न में मंगल और सूर्य जैसे दो दो ग्रह हैं और मंगल उसमें नीच के हैं, बिल्कुल बेस्ट जगह नहीं है, बेस्ट समय नहीं है, न किसी को प्रपोज करने के लिए, न शादी विवाह के लिए। उस हिसाब से अगर आपकी जन्म पत्री में, कुंडली में दशा महादशा बहुत अच्छी है तब अलग बात है, अन्यथा अगर उसमें दशा महादशा अच्छी नहीं है तो फिर इन बातों का ध्यान रखना है। अगर उसमें अच्छी है तो गोचर के नेगेटिव होने के बावजूद चीज़ें ठीक रहेंगी, क्योंकि डिसाइड तो जन्म कुंडली ही करती है, पर चूंकि कुंडली तो मेरे पास नहीं है, हम गोचर के बात कर रहे हैं, तो गोचर के अकॉर्डिंग समय थोड़ा संभल के रहने का है। राहु की स्थिति पूरी साल आपके लिए अच्छी है, वो हम बता चुके थे, तो ऐसे में
राहु की स्थिति बढ़िया है इस साल, तो अचानक से कोई अगर राहु की दशा महादशा अंतरदशा है और राहु आपकी कुंडली में भी अच्छे हैं, तो ऐसे गोचर में भी अचानक से धन प्राप्ति, पद प्राप्ति, बिजनेस का बढ़ जाना, रातों रात किस्मत चमक जाना, वो हो सकता है, हो सकता है। पर बाकी जो ग्रह हैं वो इस तरह से हैं। और वैसे भी टफ टाइम कोई बुरा नहीं होता, टफ टाइम ही वो होता है जो हमें ऊपर ले जाता है। और जो लोग टफ टाइम पे आदमी कैसा रिएक्ट करता है ना, जब मुसीबत आती है, जब कोई, उसी में दोस्त का पता लगता है। कहते हैं ना, रहीमन बिपता हो भली जो थोड़े दिन की होए, जान परत इस जगत में अपने पराया कोए। एक तो ये बात है, दूसरी बात यह कि विपत्ति में जिस तरह से व्यक्ति रिएक्ट करता है, रेस्पॉन्स करता है, हिम्मत बनाए रखता है, हिम्मत नहीं रखता है, हिम्मत नहीं खोता है, पॉजिटिव रहता है, वही डिसाइड करता है वो ऊपर तक कहाँ जाएगा। क्योंकि जब अच्छा है सब चीज़, आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका पे आउट अच्छा है, आपके आसपास के लोग, माहौल बहुत अच्छा है, तो उसमें तो सभी तरक्की करते हैं, सभी तरक्की कर सकते हैं। पर जो असली जो लोग हैं, जो टॉप पे जाते हैं, वो टफ समय में भी और टफ समय में ही ऊपर जाते हैं। इस पर मैं आपको थोड़ी सी हल्की सी कहानी बताऊंगा जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, थॉमस अल्वा एडिसन की। उनका नाम आपने सुना होगा, जिनकी वजह से हम आज लाइट में बैठे हुए हैं। तो उनकी उम्र करीब 64 साल हो चुकी थी, साइंटिस्ट थे, उनके जीवन का एक सपना था जिसके लिए वो दिन रात लगे हुए थे। आप सभी जानते हैं उन्होंने लैंप लाइट का आविष्कार किया, लैंप का, बल्ब का आविष्कार किया। 10,000वीं बार वो सक्सेसफुल हुए थे, 9,999 बार वो फेल हुए थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। तो इसी के कहीं बीच की बात है कि आग लग जाती है बिल्डिंग्स में, उनकी जो प्रयोगशाला थी वो भी उसमें जल जाती है, उनके कई प्रयोगशाला थी सब जल जाती हैं। तो रात की बात होती है तो पड़ोसी वगैरह उठाते हैं, थॉमस बाहर निकल के आते हैं कि भाई आग लग गई है। वो देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी की जितनी मेहनत है, मतलब जो उनका कर चल रहा होगा, इन्वेंशन का वर्क, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह सब जल जाते हैं। तो उसको देखते हैं और एकदम निराश नहीं होते हैं, ना ही किसी पैनिक में आते हैं। थोड़ा बहुत बुरा तो शायद उन्हें ज़रूर लगा होगा, पर दिखाई ऐसा नहीं पड़ता है। उनके साथ उनका छोटा सा बेटा भी था, तो उससे कहते हैं अपने बेटे से कि अपनी मम्मी को बुला के लाओ, मम्मी थोड़ा अलग होंगी। क्यों, बच्चे को समझ में नहीं आता, छोटा बच्चा भी समझ रहा था कि हमारा सब कुछ जल चुका है और पिताजी ये क्या बात कर रहे हैं। तो कहता है मम्मी को बुला के लाओ, देखो आग कितनी खूबसूरत होती है, कितनी विराट होती है, कितनी आकर्षक होती है। तो वो बच्चा था, वो नहीं समझ पाया और आसपास वाले भी नहीं समझ पाए, क्योंकि वो भी अभी बच्चे ही थे, बड़े भले ही हो गए हों। अगले दिन फिर मीटिंग होती है उनकी, वो साइंटिस्ट थे, उनसे पूछा जाता है। और वो आप जानते हैं कि लोग थोड़ा मजा लेना चाहते हैं, टॉट कसना चाहते हैं, तो मीडिया भी उसमें कम नहीं होती है। तो उनसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आपका सब कुछ जल के भस्म हो गया, इतना मेहनत जो आपने की, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी, आप क्या, आपको कैसा लग रहा है? तो थॉमस जवाब देते हैं कि देखिए मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है, समय के साथ साथ शरीर भी मेरा डाउन हो गया, जो रियलिटी है। पर यह सच है कि उसमें मेरा जो कार्य था वो भी गलत, जो भी था वो भस्म हो गया। पर उसके साथ जितनी गलतियां कुछ हुई होंगी उसमें, वो भी भस्म हो गई हैं, उसको भी आप याद रखिए कि उसमें जो कुछ डायरेक्शन में जा रहा था, शायद उसमें कुछ मिस डायरेक्शन भी हो, तो वो भी भस्म हो गई है। और इसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है फिर से नई सोच के साथ, नई दिशा में सोचने की। और यकीन मानिए, वादा है मेरा कि कल से फिर कार शुरू होगा। तो ये था उनका एटीट्यूड, और इसी एटीट्यूड के कारण वो थॉमस अल्वा एडिसन बन पाए। अन्यथा इतनी बड़ी उसके बाद निराशा में आ सकते थे, पीना फीना शुरू कर सकते थे, कार्य को बिल्कुल छोड़ सकते थे कि 65 की उम्र होगी, अब क्या करूँगा, 900 बार तो कर लिया। आप 900 बार, 10,000वीं बार सफल हुए थे। तो ये होता है ऊपर जाने का जज्बा, जो व्यक्ति को ऊपर लगा ले जाता है। स्टार सहायता करते हैं, लेके व्यक्ति खुद ही जाता है, स्टार तो सिर्फ दिखाते हैं, यही सच है। आपका मंगल कितना भी अच्छा हो, अगर आपने मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सर्जन नहीं बना पाएगा। और जीता जात का उदाहरण आपके पास है, हमारे जो आज भी ऐसे कंट्री हैं जहां स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती, तो उनके मंगल अच्छे भी हों तो वो सर्जन या स्पोर्ट्समैन बनती नहीं है, ना आर्मी फाइटर बनती हैं, ना पहले बनती थी जब इंडिया में भी, अब तो देखिए क्या क्या कर रही हैं, बाहर आ रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, है ना, आर्मी में भी जा रही हैं,
और जासूस तक बन रही हैं, डिटेक्टिव तक बन रही हैं, क्योंकि उनके राहु अच्छे हैं, मंगल अच्छे हैं, तो वो उनको हेल्प कर रहे हैं। पर कब? जब वो चांस ले रही हैं, जब उनको पंख दिए जा रहे हैं, जब उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और वो खुद भी अपॉर्चुनिटी ले रही हैं। तो यही समय होता है वक्री, जो समय होता है कि जब हिम्मत नहीं हारनी होती है, लगे रहना होता है, आगे बढ़ते रहना होता है। तो टफ समय, कोई भी टफ समय, हमारा मेरे कहने का यही अर्थ था कि जितना टफ समय होता है वो उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। अब हम अगस्त के बाद आ जाएं, हम यहाँ पर देखिए, हमने कार्य की बात कर दी, यहाँ पर हमने रिलेशनशिप के बारे में भी बात करी, हेल्थ के मामले में रहें तो ख्याल रखेंगे, एजुकेशन का भी यहाँ पर ख्याल रखना है। 20 जुलाई के बाद समय ठीक हो रहा है, 20 जुलाई तक है, पूरी जुलाई नहीं, 20 जुलाई तक, 20 जुलाई के बाद मतलब लगभग आधी जुलाई कार्य के लिए अच्छा है, कार्य में चेंज आ सकता है, प्रमोशन हो सकता है और पद प्राप्ति हो सकती है, काफ़ी अच्छा समय 20 जुलाई के बाद ही शुरू हो रहा है, क्योंकि दशमेश जो है वो धन भाव में आ रहे हैं, पैसा भी आएगा, लक भी काम देगा, तो 20 जुलाई तक है, पूरी जुलाई नहीं। अगस्त में आए तो जैसा हम जिक्र कर चुके हैं कि 20 जुलाई के बाद से ही और पूरे अगस्त वंडरफुल टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत कोई नया चीज़ नहीं करेंगे पर कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, पुराने सोर्सों से पैसा आएगा, पुराने एग्जिस्टिंग जो विचार आप जो मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट निकल कर यहाँ आने लगेगा। और व्यापार के लिए, कार्य के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, जहाँ खास करके अगर आप रियल स्टेट्स में हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, लाइजनिंग का आपका कोई काम है, आप अगर सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, इस तरह का अगर आपका काम है, डॉक्यूमेंट का है, बिजनेस का है, क्योंकि बुध भी अच्छे हैं, मंगल भी अच्छे हैं, तो वो अच्छा रहेगा आपका। शनि और गुरु अभी तक वक्री हैं, शनि का वक्री होना आपके रोग ऋण शत्रु का विनाश करेगा, रोग होगा तो वो ठीक हो जाएगा, ऋण होगा तो उतर जाएगा, शत्रु अगर आपसे कोई किसी की शत्रुता चल रही है तो वो दूर हो जाएंगे, अगर कोर्ट के साथ ही है तो उसमें आपकी विजय प्राप्ति की यहाँ पर संभावना बनती है। गुरु जो है वक्री है, भाग्य धीरे धीरे साथ देगा, चीजें अवश्य अच्छी हो रही है, पैसा अवश्य आएगा, कार में तलक की प्रमोशन अवश्य हो सकता है, पर मेहनत करते रहना होगा, भाग्य रुक रुक के साथ देगा, जितनी मेहनत करेंगे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ऐसा जैसे बोलते हैं ना, लक से जो चीजें होती हैं, एक तो मेहनत के थ्रू आपने काम किया, सब कुछ तैयार किया और उसका रिजल्ट आता है, एक होता है कि आपने थोड़ा ही काम किया पर उसका काफ़ी श्रेय मिल जाता है, कई बार चीज़ें बहुत अच्छी चली जाती हैं थोड़े ही परिश्रम से, तो वैसा नहीं है, पर परिश्रम से मेहनत का यहाँ पर अवश्य है। प्यार और उसके मामले में भी देखा जाए तो 23 जून के बाद से, 23 जून के बाद से शुक्र आपके लग्न में आए थे और 17 जुलाई को जो शुक्र हैं वो आपके तृतीय भाव में आ गए, तो जून में थोड़ा सा जो थोड़ा सा था इश्क मोहब्बत प्रेम आदि इसके मामले में बहुत बेस्ट नहीं था, और जुलाई भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि क्योंकि मंगल और सूर्य यहाँ पर रहेंगे, पर मंगल 20 जुलाई को निकलेंगे और सूर्य जो हैं वो 15, सूर्य पूरी जुलाई रहने वाले हैं, तो एक तरह से 20 जुलाई के बाद थोड़ा सा समय अच्छा है, 20 जुलाई से लेकर पूरे अगस्त में अगर हम देखते हैं तो प्रेम आदि के लिए समय ठीक है और बढ़िया है, खासकर कि मिड अगस्त के बाद शुक्र नीच हो रहे हैं। नीच का शुक्र ऐसा कुछ नहीं है कि आपका रिलेशन वगैरह के लिए बहुत बेकार है, नीच का शुक्र बस थोड़ा सा यही है कि आदमी की जो रुचि है वो थोड़ी सी भौतिकता की तरफ होगी, मतलब आप किसी आप बाहरी खूबसूरती पे आपका ज्यादा ध्यान रहेगा, आंतरिक जो खूबसूरती है उस पर कम ध्यान जाता है, आर्ट क्रिएटिविटी उसके लिए बहुत अच्छा है, पर जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं दो तरह की खूबसूरती होती है, एक तो मन की खूबसूरती, दिल की खूबसूरती, वो शुक्र उच्च के शुक्र अच्छे शुक्र दिखाते हैं, नीच के शुक्र बाहर की खूबसूरती, अगर शुक्र नीच का है तो व्यक्ति बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है, प्रैक्टिकल होता है, और अच्छा शुक्र है तो व्यक्ति इमोशनल होता है, स्पिरिचुअल होता है, तो वो वाली बात है। अगस्त के महीने में कार्य के मामले में भी अच्छा, एजुकेशन के मामले में भी अच्छा, प्रेम के मामले में ठीक ठीक है, एजुकेशन के मामले में बच्चों का अभी भी ख्याल रखना है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई का भी ख्याल रखना है, क्योंकि गुरु पंचम भाव में केतु हैं और गुरु वक्री होकर अभी अष्टम भाव में चल रहे हैं, अष्टम भाव से जो गुरु की दृष्टियाँ हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, वो 12th भाव पर रहेगी, 12वें भाव पर रहेगी, द्वितीय भाव पर रहेगी
और चतुर्थ भाव पर रहेगी, मतलब कि खर्चे बढ़ेंगे, यात्राएं बढ़ सकती हैं। धन आदि के लिए अच्छा है, घर गाड़ी बंगला कुछ खरीदने का योग तो अवश्य बनता है, हल्का सा, बहुत विशेष योग नहीं पर हल्का सा बनता है, क्योंकि मंगल भी यहाँ पे द्वितीय भाव में आ रहे हैं। द्वितीय भाव में मंगल रियल इस्टेट धन भू देवी के पुत्र हैं ना, मंगल भू देवी के पुत्र हैं और शिव जी से जुड़े हुए हैं। लोहितांग जो रेड कलर लाल रंग का युद्ध का राजा जो ग्रह है वो मंगल है, जो भूदेवी का पुत्र है, जो मंगल हनुमान जी से जुड़े हुए हैं और कुमार कार्तिकेय से जुड़े हुए हैं, तो उनका धन भाव में आना आपको मेहनत से पराक्रम से धन लाभ कराएगा। जमीन रियल एस्टेट आदि के थ्रू धन लाभ यहाँ पर हो सकता है। जमीन आपकी महंगी बिक सकती है अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं तो उस मामले में अगस्त आपका अच्छा रहेगा। अब अगस्त के बाद हम बात करेंगे सितंबर और अक्टूबर की। चलिए अब बात करते हैं हम सितंबर की महीने की, सितंबर और अक्टूबर की। सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना दोनों ही महीने थोड़े थोड़े और भी ज़्यादा अच्छे हैं। अगस्त भी बेटर था जुलाई से और जुलाई बेटर था जून से, इस तरह से कुछ रहा है नॉर्मली कार्य के क्षेत्र में। और क्षेत्रों में भी हम थोड़ा सा जो अंतर था उसकी बात कर चुके हैं। तो अगर हम अगस्त के बाद सितंबर की बात करें तो कार्य का स्वामी पहले तो धन में था, मतलब कि कार्य से धन आ रहा था। अब जो है कार्य का स्वामी वो पराक्रम में है, मतलब पराक्रम होगा, कार्य होगा, भाग्य बढ़ेगा और भाग्य बढ़ेगा तो धन भी आएगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चेंज आ रहा है कार्य के लिए भी, वो जरूरी है कि गुरु जो है अष्टम से सप्तम में आ रहे हैं। गुरु का सप्तम में आना बेटर है अष्टम से। यहाँ एक तो उनकी वजह से शनि पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब कि रिलेशनशिप में, व्यापार में, रिलेशनशिप पत्नी के साथ तो होता ही है, प्रेमी प्रेमिका उनके बीच तो होता ही है, क्लाइंट और जो आप हैं, मतलब आप अगर कोई जॉब है आपका तो क्लाइंट्स के बीच, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपके जो दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है पूरा वो भी सप्तम के अंदर ही आता है, सिर्फ शादी ही नहीं। तो बिजनेस आदि के उसमें क्षेत्र में काफ़ी बढ़ाव भी होगा, बढ़ेगा भी और रिलेशनशिप भी सुधरेंगे। कुछ क्लाइंटों से जो किसी कारण से कुछ लोगों से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी पिछले समय में ग्रहों की स्थिति के कारण, अब उसमें जोड़ाव आएगा, लोग आपस में जुड़ेंगे, समझेंगे, चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी। कार्य के क्षेत्र में भी, जॉब के क्षेत्र में भी ये महीना वंडरफुल रहेगा, बढ़िया रहेगा, पहले से बेहतर रहेगा। यहाँ आने से मंगल की जो दृष्टि है वो भाग्य भाव पर पड़ेगी, मेहनत बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा पर रिजल्ट भी बढ़ेगा यहाँ से, क्योंकि राहु तो आपको देने के लिए लगे हुए हैं पूरे साल, बहुत अच्छी स्थिति में है। सूर्य का गोचर भी आपका 15 सितंबर तक आपके तृतीय भाव में, तृतीय भाव में सूर्य का गोचर बहुत श्रेष्ठ माना गया, उधर से मंगल भी आ रहे हैं, मंगल सूर्य दोनों का गोचर तृतीय भाव में अच्छा है। और बुध जो हैं वो 22 सितंबर को जाके बकरी होंगे, मतलब लगभग पूरे सितंबर तो बकरी नहीं रहे, 27 सितंबर जाके बकरी होंगे और 18 अक्टूबर तक रहेंगे, तो पूरे सितंबर बुध का भी स्थिति अच्छी है। तो सितंबर का महीना एक तरह से कार्य के क्षेत्र में अच्छा है, बिजनेस के क्षेत्र में अच्छा है, एजुकेशन के मामले में भी थोड़ा बढ़िया है, क्योंकि बुध भी अच्छे रहेंगे, बकरी भी नहीं है और गुरु की स्थिति भी अब जो है सप्तम में आ गई है। रिलेशनशिप, प्रेम, ये सब जो होता है, प्रेम हो गया आपका, रिलेशनशिप पति पत्नी के बीच जो रिश्ते हैं उसके बारे में अगर दें तो उसमें भी पॉजिटिविटी आएगी, लोगों में मिठास आएगा, आपस में रिश्तों में सुधार आएगा, ओवरऑल जो है प्रेम के संबंध बढ़ेंगे लोगों में। अरेंज मैरिज जो चाहते हैं, जिससे कहते हैं कोई रिश्ता नहीं मिल रहा, ये सब वो सब चीज़ें सॉल्व होंगी, लोगों को रिश्ते मिलने लगेंगे। जो भी कर्क राशि वाले हैं उनके लिए उस क्षेत्र में भी क्या कह सकते हैं, अच्छा बदलाव आने वाला है, अच्छा बदलाव आएगा। अक्टूबर में तो फिर बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि गुरु और शनि जो हैं वक्री जो थे वो मार्गी हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, पर सितंबर में ही शुरुआत हो चुकी है काफ़ी हद तक। और शुक्र के गोचर की भी बात करें, प्रेम की बात करें, तो शुक्र 5 सितंबर से ही मालव्य नाम का योग बनाकर बैठेंगे और 2 अक्टूबर तक रहेंगे, तो 5 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं, अगर आपके शुक्र की दशा महादशा है, तो बहुत ही अच्छा समय हो सकता, साल का सबसे खूबसूरत समय भी हो सकता है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की दशा महादशा अच्छी हुई और शुक्र की स्थिति अच्छी हुई, क्योंकि मालव्य योग अगर जन्म पत्री में हो तो धन धान्य, स्त्री सुख, पुरुष सुख, गाड़ी बंगला भूमि,
बिजनेस, हाथी घोड़ा, पहले जमाने में हाथी घोड़े होते थे, आजकल कह सकते हैं मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या फिर होंडा सिटी, कोई भी अच्छी अच्छी गाड़ियां, एरोप्लेन, अपना घर होना, बहुत बड़े आइसलैंड, पूरे के पूरे जो राजा टाइप का जो है उस तरह का वर्णन किया गया है। तो वो वर्णन पूरी तरह सच तो तभी होता है जब और ग्रह भी अच्छे हों, पर फिर भी अगर किसी की कुंडली में मालव्य योग है तो उसको सब तरह के सुख जीवन के सब मिलते हैं, कमी कुछ रहती नहीं है। गोचर में बन रहा है तो भी थोड़ा बहुत सुख तो सभी के में लाएगा, जिनकी में इस तरह का योग है उनके लिए वो वाली बात हो जाएगी कि भाई कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा, जैसे बोलते हैं कि भाई ये महीना करोड़पति बनाएगा, तो कुछ लोगों को बना जाएगा जिनकी में ये रहेगा, जिनके जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होगी और उसकी दशा महादशा भी होगी तभी। पर बढ़िया रहेगा महीना, बहुत अच्छा महीना रहेगा अगस्त का आपका। एजुकेशन के मामले में भी सुधार है, प्रेम आदि के मामले में भी अच्छा है, हेल्थ आदि के मामले में भी अब थोड़ा सा बेटर रहेगा। अगर अक्टूबर की बात करें तो 10 अक्टूबर 15 अक्टूबर तक शुक्र का मालव्य योग रहेगा, तो वो स्थिति अब भी अच्छी बनी हुई है। जो लोग आर्ट में है, मीडिया में है, चित्रकारी में है, डिजाइनिंग है किसी तरह की, चाहे वो वेब डिजाइनिंग हो, कंप्यूटर डिजाइनिंग हो, या फिर किसी चीज़ के पार्ट्स की डिजाइनिंग हो, आईटी में किसी चीज़ की डिजाइनिंग हो, उनके लिए बहुत बढ़िया महीना रहने वाला है। पूरा का पूरा ही अक्टूबर और सितंबर भी उनके लिए अच्छा ही था। कार्य के क्षेत्र में 21 अक्टूबर तक बहुत बढ़िया समय है, 21 अक्टूबर तक बहुत अच्छा समय है, गवर्नमेंट जॉब में हो या आप सर्विस में हो, बहुत बढ़िया समय है। उसके बाद भी क्योंकि एक तरफ तो मंगल और सूर्य की तरह की वजह से 21 अक्टूबर तक अच्छा समय है, बाद में क्या होता है कि सितंबर के बाद अक्टूबर में 9 अक्टूबर को शनि मार्गी होते हैं और 18 अक्टूबर को गुरु और बुध, तो दो ग्रह एक साथ बकरी से मार्गी हो रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक तरह का फॉर्च्यून लेकर आएंगे लाइफ में। चीजें फिर आगे की तरफ बढ़ेंगी, चीजें फिर थोड़ेंगी, थोड़ा सा आपको थोड़ी सी स्पीड लाइफ में दिखाई पड़ेगी, भाग्य भी थोड़ा साथ देने लगेगा। आपकी पत्नी आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकती है, गुरु टीचर सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा, लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, गुरु कोई आपके जीवन में आ सकता है, जिंदगी में कोई गुरु आ सकता है, ऐसी स्त्री पुरुष से मुलाकात हो सकती है जो भले ही आपकी प्रेमी, आपका प्रेमी प्रेमिका प्रेयसी हो, पर वो उसका प्रेजेंस आपके जीवन में थोड़ा सा ज्ञान लेके आएगा, आपको गाइड करेगी, वो लड़की या लड़का बताएगी कैसे करना है क्या करना है, वो आपके लिए लकी होगा, अच्छा होगा। तो इस तरह के भी यहाँ पे योग बने हुए हैं, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत बेहतर हो जाएगी, आप सही तरह से निर्णय ले पाएंगे और हर तरह से महीना जो है अक्टूबर का बेटर हो रहा है। पढ़ाई के मामले में भी यहाँ पर स्थितियाँ सुधर रही हैं, बच्चों के एजुकेशन का जो मैं बात कर रहा था ध्यान रखना है उस तरह से, उसमें भी वो पढ़ाई में भी अच्छा कर पाएंगे, एजुकेशन आदि में भी अच्छा कर पाएंगे। उनका बाहर जाके फॉरेन आदि जाके कोई बड़ा काम करने का, कुछ अचीवमेंट प्राप्त करने का योग भी यहाँ से बनता है। शादी विवाह के लिए बहुत शुभ समय है, मुलाकात के लिए बहुत शुभ समय है, किसी को प्रपोज आदि करने के लिए, अगर आप किसी को दिल से प्रेम करते हैं बताने के लिए, काफ़ी अच्छा समय है। और लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होगा भी कि बहुत सारे रिश्ते संबंध मुलाकातें बनेंगी, जीवन तो इसी का नाम है, चलते रहने का ही काम है नाम है। और 30 अक्टूबर को फिर 30 अक्टूबर को जो है शुक्र हैं छठे भाव में आ जाएंगे, तो लगभग पूरा महीना जो है शुक्र आपके लिए बेनिफिक है। ऐसे में बाहर विदेशी लोगों से मिलना, विदेशी यात्रा, किसी विदेशी से संबंध होना, अब विदेशी का मतलब ये नहीं है कि वो एकदम विदेशी हो, वो विदेश में रहता हुआ इंडियन या इंडियन लड़का या इंडियन लड़की भी हो सकती है, उसके उसको ऐसा हो सकता है बिल्कुल ही आप जैस आप ही के कल्चर का हो, और हो सकता है जात पात भी हो, बस थोड़ा बाहर रहता हो, इंटरनेट से आपकी बात हो, क्योंकि राहु का इफेक्ट जो है शुक्र पे आ रहा है उसमें ऐसा रहता है कि विदेशी टच रहता है जिसके साथ आपकी मुलाकात, प्यार दोस्ती आदि होती है, सिंपली फ्रेंडशिप भी हो सकती है किसी बाहर के व्यक्ति से, इस तरह का भी यहाँ पे योग बना हुआ है आपका अक्टूबर के महीने में। 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक बुध थोड़े वक्री हैं, तो जिनकी बुध की दशा महादशा है वो थोड़े से सावधान रह सकते हैं कि भाई वो कम्युनिकेशन में, राइटिंग वगैरह में, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा सा सजग रहें, अन्यथा सितंबर का महीना अक्टूबर का महीना बहुत बढ़िया है, बहुत वंडरफुल है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नवंबर और दिसंबर पर। अब देखिए किसी भी ग्रह के रिजल्ट के लेने के लिए प्रयास करना होता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, होइए वही जो राम रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए ताफल चाखा,
जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, सफलता अर्जित करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, और पर कहते ऐसे हैं कि भाई हम तो कुछ खास नहीं करते हैं, जैसे कि किस्मत उनको दे रही है। और हम भी यही सोच लेते हैं कि किस्मत उनको दे रही है। जो ईमानदार लोग होते हैं वो बताते हैं कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, हर किसी ने की है। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, कुछ होते हैं, पर नॉर्मली सिंह भी हो, हिरन पकड़ना है तो भागना तो पड़ेगा, और हिरन हो अगर बचना है तो भागना तो पड़ेगा। अच्छी अच्छी आदतें डालना, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुरी आदतें तो डालनी नहीं पड़ती, वो खुद ही पड़ती हैं। सोने की आदत कभी डालनी पड़ती है क्या? वो तो पड़ी रहती है। उठ के सुबह जॉगिंग पे जाना कठिन है, पर आपके लिए अच्छा है। टीवी देखना तो सभी को अच्छा लगता है, पर टीवी छोड़ के किताब पढ़ना कठिन है, पर आपके लिए अच्छा है। आपके ज्ञान को भी बढ़ाएगा, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अच्छी किताब पढ़ेंगे तो वही बात ज्योतिष में भी लागू होती है कि ग्रहों की जब स्थिति अच्छी होती है तब भी मेहनत करके कार्य को प्राप्त करना, उसकी सिद्धि के लिए जुट जाना कठिन है। और ना करना सिर्फ ग्रहों की स्थिति के अनुसार अगर आप सोचें, होता रहेगा, वो मीठे सपने की तरह है। लगता है कि हाँ हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होगा, ये श्री राम ने कहा है। श्री राम ने तो यहाँ तक कह दिया है कि क्या लिखा है कुंडली में, क्या लिखा है भाग्य में, लक्ष्मण ये महत्वहीन है, लक्ष्मण ये महत्वहीन है। महत्व सिर्फ इस बात का कि जो आएगा वो तो फिक्स है, उस पर कैसा तुमने बिहेव किया, तुमने अपनी तरफ से कितना फॉलो किया धर्म को। यही बात भगवान श्री कृष्ण कर्ण को भी कहते हैं, जब वो कहता है कि मेरे साथ ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, इसलिए मैंने ये किया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं क्या हुआ वो तो महत्व ही नहीं है उसका, जो तुमने किया उसका महत्व है। हमेशा सही रास्ते पे, सही उस पे ही चलते रहना है, और बिना परिश्रम के किसी को कुछ नहीं मिलता है। अगर आज मिल रहा है तो उसने कभी परिश्रम किया जरूर है, पर अगर नहीं कर रहा, आज कुछ गलत कर रहा, तो उसका भी मिलेगा। कर्म चक्र की तरह है, कितनी भी चालाकी से किसी भी डायरेक्शन में भेंको, घूम के आ ही जाता है। आप किसी के साथ बुरा करो, जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति आपके साथ बुरा करेगा, पर कोई तो करेगा। आप किसी के लिए भला करो, जरूरी नहीं है कि आप कहें सोचे कि भाई मैंने इसका इतना किया, इसका किया, ये तो नहीं कर रहे। अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग नहीं करते हैं, पर आपके पास वो अच्छाई पहुंच जरूर जाती है। ये प्रकृति का नियम है, ये ईश्वर का नियम है। तो नवंबर पे आए तो बहुत अच्छी बात है। नवंबर पे अगर हम आते हैं तो गुरु का परिवर्तन आएगा नवंबर में। 20 नवंबर को जो गुरु हैं वो कुंभ में आ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, तो 20 नवंबर तक बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा समय है। भाग्य का स्वामी जो है आपके सप्तम में रहेगा, तो भाग्य से आपको किसी से मुलाकात हो सकती है। शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा नवंबर का महीना। इसके साथ साथ कर्म को हम देखते हैं, धर्म कर्म कहने का मतलब था, कैरियर को अगर हम देखते हैं तो मंगल जो है वो 21 अक्टूबर को यहाँ रहेंगे, और यहाँ से अपने दशम भाव को देखेंगे। मंगल की चौथे भाव में दृष्टि, माता का थोड़ा ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कैरियर के लिए अच्छा है, पर घर में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पति पत्नी में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर रह सकती है। सूर्य भी यहाँ पर 15 अक्टूबर तक रहेंगे, तो 15 अक्टूबर तक थोड़ा सा ज़्यादा चौथे भाव पर गर्म प्रभाव आ रहा है। सूर्य जो है यहाँ पर तुला में नीच के भी हो जाएंगे, तो बॉस से मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। यहाँ से दोनों मंगल और सूर्य की दशम पर दृष्टि प्रमोशन आदि को दिखाती है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति अच्छी है तो। अन्यथा सूर्य नीच के रहेंगे, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन का स्वामी चतुर्थ में जाके नीच का हो रहा है, तो माता के ऊपर खर्च हो सकता है। घर गाड़ी भूमि वाहन अगर खरीदते हैं तो उसमें ध्यान रखें, उसमें नुकसान हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। और बुध की बात करें, जो कि कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, आपके भाई बहन को दिखाते हैं, फॉरेन चीज़ों को दिखाते हैं, तो बुध आपके नवंबर में, 21 नवंबर को यहाँ आ जाएंगे पंचम में, और 21 नवंबर तक चतुर्थ में रहेंगे।
माता का खास ख्याल रखना है और खर्च आ सकता है माता के ऊपर, घर गाड़ी बंगले के ऊपर खरीदना बेचेंगे आप तो उसमें ध्यान रखें, उसमें नुकसान भी हो सकता है। इस तरह के यहाँ पे योग बने हुए हैं क्योंकि राहु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 तो थर्ड भाव पर है ही, और थर्ड भाव का स्वामी जो है वही 12th भाव का भी स्वामी है, दया भाव का स्वामी है, और वो 21 नवंबर तक यहाँ रहेगा। तो 21 नवंबर पर थोड़ा सा सावधानी रखनी है माता के साथ, मातृभूमि के साथ, आपस के जो बहुत आपके करीब के दोस्त हैं उनके साथ कुछ धोखा आदि की संभावना यहाँ पर रह सकती है। 21 नवंबर के बाद बेटर समय है, अच्छा समय है। 21 नवंबर के बाद आप क्रिएटिव रहेंगे, आप काफ़ी, आप अगर कोई रिप्रेजेंटेशन आदि तैयार कर रहे हैं वो बहुत अच्छी हो सकती है। आपके जो बच्चे हैं वो कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, एजुकेशन आदि के लिए बाहर जा सकते हैं, आपका भी चांस हो सकता है बाहर जाने आदि का, इस तरह की संभावना यहाँ पे बनी हुई है। प्यार मोहब्बत आपस में रिश्तों की बात करें तो 20 नवंबर तक बहुत अच्छा है, 20 नवंबर के बाद फिर से थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाग्य का स्वामी जो है फिर से आपका 12th हाउस में जाएगा तो थोड़ा सा मेहनत करते रहिएगा। हालांकि राहु की अगर किसी की दशा महादशा है और राहु या फिर राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी जगह स्थित हैं, अच्छे भावों में स्थित हैं, तो फिर वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अचानक से भाग्य वृद्धि, शत्रु पराजित हो जाएंगे, आप बहुत ऊंचाइयां छू लेंगे, पर ये सब तभी होगा राहु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हो तो, क्योंकि राहु अच्छे गोचर में है। शनि यहाँ पर षष्ठ महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं तो व्यापार में तो वृद्धि होगी, व्यापार में तो वृद्धि होगी, पर मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा हो सकता है, दूरी पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच आ सकती है, काम को लेकर हो सकता है, कार्य में आप इतने बिजी हो जाएं तो थोड़ा एक बैलेंस बना के रखें। शनि की जो दृष्टि है वो नवंबर और दिसंबर में दोनों में ही लग्न पर रहेगी तो चीज़ें होंगी तो सही पर रुक के होंगी, थोड़ा लेट होंगी। ऐसे में शादी विवाह के योग बने हुए हैं, सप्तम में ही है, पर ऐसे व्यक्ति से, ऐसे प्रेमी प्रेमिका से, ऐसे स्त्री पुरुष से शादी हो सकती है जो एज में आपसे थोड़ा बड़ा हो या मैच्योर हो, उस तरह की यहाँ पे संभावना बनती है। शुक्र जो है 30 अक्टूबर मतलब कि पूरे नवंबर, 30 अक्टूबर से लेकर आपके लगभग 8 दिसंबर तक यहीं रहने वाले हैं, तो स्त्रियों से थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा सावधान मतलब उनका सम्मान रखें, उनसे किसी पछड़े में ना पड़ें, किसी स्त्री से कोई झगड़ा आदि होता है तो उसको आगे ना बढ़ाएं, वहीं ख़त्म कर दें, उनकी कोई हेल्प जितनी कर पाएं उतना अच्छा है। बच्चियों, छोटी बच्चियां जो होती हैं उनको कोई गिफ्ट आदि दे सकते हैं। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, माता लक्ष्मी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है, इलायची की चाय पिए वो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, दही से स्नान कर सकते हैं शुक्रवार को, वो शुक्र के लिए अच्छे होते हैं। पूरी लाइफ में भी अगर आप ये सब चीज़ें रखते हैं कि खूबसूरती का ध्यान रखें, चीज़ों में व्यवस्था रखें, लड़कियों स्त्रियों का सम्मान रखें, इलायची की चाय शुक्रवार को पिए, दही से कभी कभी बाल या शरीर की सफाई करें वो शुभ भी है, तो इससे शुक्र अच्छे रहते हैं। इसके साथ साथ सफाई की जब बात आती है तो हम सिर्फ शरीर की सफाई करें, मन की सफाई ना हो तो वो फिर आधा हो गया, आधा कर्म हो गया। तीन तरह के कर्म है, एक कर्म है फिजिकल, दूसरा है मानसिक, तीसरा है आत्मिक। आत्मिक कर्म है और उनके पीछे की भावना है। आत्मिक कर्म जो है वाणी का है, अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छी अच्छी सलाह दीजिए, सभी को किसी पर टोंट मत कसिए, और आपके जब भी आप बोलते हैं उसका जो ध्येय है, जो आप जिस लिए बोलते हैं वो शुभ और पवित्र होना चाहिए। और फिजिकल कर्म है कि आप जो शरीर से करते हैं, पैसे से करते हैं, और उसके बाद एक वाणी का कर्म है जो आप बोलते हैं, और मानसिक सोचते क्या हैं आप, किस सोच के साथ आप कर रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, थॉट्स कैसी चल रहे हैं, उसके लिए योगा मेडिटेशन करते रहना जरूरी है, उसके लिए अच्छी किताबें पढ़ते रहना, अच्छी चीज़ें देखते रहना, अच्छी चीज़ें सुनते रहना जरूरी है। जैसा इनपुट जाएगा वैसा ही आउटपुट जाएगा, बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हमारे वेद पुराण उपनिषद सभी महान लोगों ने कहा है, और ज्योतिष उनसे अलग नहीं है, उन्हीं का पार्ट है। ज्योतिष गीता से, उपनिषद से, विवेकानंद से अलग थोड़ी ना है, उसी का पार्ट है। तो ज्योतिष का अगर फ़ायदा उठाना है तो इन सब चीज़ों को पूरी तरह समझना होगा, और ज्योतिष फिर आपका सहायता करेगा। जो हमारा नियम कानून कर्म को जितना प्रधानता दी गई है उसको ध्यान रखना होगा, और भक्ति को भी बहुत प्रधानता दी गई है। भक्ति का प्रधानता इसलिए क्योंकि भक्ति से मन साफ होता है, मन साफ होता है तो कर्म भी साफ होते हैं, और संसार तो कर्म प्रधान है। और क्या बदलाव आएंगे, दिसंबर की बात करें तो पूरे दिसंबर शुक्र यहीं रहने वाले हैं करीब 8 दिसंबर तक, और 8 दिसंबर को वो सप्तम में आएंगे।
पर सप्तम में आएंगे और 19 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। तो 8 दिसंबर से 19 दिसंबर का शादी विवाह के लिए बहुत स्ट्रांग सा योग बन रहा है। किससे मुलाकात के लिए बड़ा स्ट्रांग सा योग बन रहा है। 19 दिसंबर के बाद जो है शुक्र वक्री है और वो 28 जनवरी 2021 तक वक्री ही रहेंगे। ऐसे में पुरानी चीज़ों से मुलाकात होगी, पुरानी स्त्रियों से, पुराने पुरुषों से, पुराने दोस्तों से, पुरानी सहेलियों से, पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। जो व्यक्ति कभी आपकी ज़िंदगी में रहे थे वो फिर से वापस आ सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं बनेगी। या फिर नए लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात होगी जो भले ही आज आप उनसे मिले हों पर मिलके आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इन्हें तो आप बहुत दिनों से जानते हैं। इस तरह की रहेगा हमारा दिसंबर का महीना। कार्य के क्षेत्र में बात करें तो कार्य के क्षेत्र में अच्छा है, कार्य में बदलाव आ सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, पर आप बहुत एक्टिव फील करेंगे, बहुत हिम्मती फील करेंगे, आपके अंदर एनर्जी काफ़ी रहेगी। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें, एजुकेशन स्टूडेंट्स जो हैं वो दिसंबर के महीने में विशेष ध्यान रखें। पंचम भाव जो कि एजुकेशन का है, आपके जीवन के मकसद का है, शास्त्र का है, विद्या का है, ज्ञान का है, वेद का है, उपनिषद का है, आजकल वेद और उपनिषद की जगह आजकल की किताबों में ले लिया वो आजकल का जो ज्ञान है, तो उसमें थोड़ा सा मन कम लगेगा। हालांकि अगर आप इंजीनियरिंग में है, लॉजिकल आपका वर्क है, प्रैक्टिकल अगर आपका वर्क है तो उसमें आपका मन लगेगा, उसमें आपको अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपके जो बच्चे हैं तो ज्ञान से काम लें, उनको प्यार से समझाएं, और इस तरह का रहेगा हमारा दिसंबर का महीना। तो ये हमने पूरी साल को देखा, मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वार्षिक फल का जो वीडियो था उसको समाप्त करता हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।